हेलो गुड आफ्टरनून गाइस, मैं पंकज बैकपैकर आपका स्वागत करता हूं एक नए ट्रिप के साथ। सो अभी नाइट स्टे किया है यहां पे। ये देखिए होटल, थोड़ा सा रात हो चुकी है तो कम दिख पा रहा होगा। होटल एम्बेसी एंड ट्रैकर्स हॉस्टल, ये नाम है देहरादून में। काफ़ी लश ग्रीन बना रखा है होटल को। सो कल प्लानिंग होगी देहरादून से साकरी के लिए निकलना है। सो अभी सोऊंगा, 10 बज चुके हैं। कल साकरी के लिए निकलेंगे, यहाँ से हम ट्रैकर्स ऑफ इंडिया जो टीम हमारी वो यहाँ से पिकअप करेंगे और फिर हम कल पहुँचेंगे साकरी। तो मिलते हैं कल सुबह, बाय। हम साकरी के लिए निकल गए हैं सुबह के 8 बजे देहरादून से। Hey, she's Arushi. How's your trip going, Arushi? Super. अभी हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया है एक रिवर साइड के पास में और बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे रिवर के पास। सो फाइनली बेस कैंप पहुंच गए हैं साकरी विलेज। और ये साकरी विलेज जो है ये हमें पड़ा देहरादून से लगभग 200 किलोमीटर एंड टेक्स अराउंड 9 आवर्स, 9 घंटे हमें लगे। हम सुबह 8 बजे चले थे तो शाम को 5 बजे हम पहुंचे हैं साकरी में। जहां रुके हुए हैं वो है होटल अविंता हिमालयाज। ये देखिए हमारा होटल है। सूरज ढल रहा है, सनसेट, यहाँ थोड़ी धूप बची हुई है। काफ़ी अच्छा वेदर है, बहुत प्लीजेंट है। तो कल अभी यहाँ से दोबारा अपडेट करूँगा मैं आपको जब चलेंगे। इट्स रियली ब्यूटीफुल प्लेस। लिटिल किड्स, हेलो, माय नेम डिश। डिश, अरे वाह, बड़ा अच्छा नाम है आपका। तरुष रावत, क्या बात है। मार्केट है साकरी की, यहाँ पे रेंट पे भी चीज़ें मिलती हैं जैसे रूम्स एंड ट्रैकिंग इक्विपमेंट्स अवेलेबल फॉर रेंट। अगर बाय चांस आप कुछ मिस कराए हैं सर, लाइक शूज, पोंचू या रेन कवर जो ट्रैकिंग के लिए रिक्वायर्ड है, वो आप यहाँ से ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, रेंट पे ले सकते हैं। गुड मॉर्निंग। तो अभी हम साकरी हैं और ब्रेकफास्ट हो गया है। ये नीचे हमारा ऑफ लोडिंग जो सामान है वो सारा यहाँ पे कैरी हो गया व्हीकल में और पूरी टीम मेंबर्स देखिए सब रेडी हैं। अभी हम यहाँ से निकलेंगे। तो आज ऑफिशियली देखा जाए तो ये ट्रिप का फर्स्ट डे है क्योंकि कल हम देहरादून से साकरी पहुँचे थे। अभी हम साकरी हैं और अभी व्हीकल से ही तालुका जाना है। ऑलमोस्ट 10 to 11 किलोमीटर, लगभग 1 घंटा लगेगा। उसके बाद फिर हमारा तालुका से ट्रैक शुरू होगा और आज का जो प्लान होगा उसमें हम पुरानी घाट हम रुकेंगे। काफ़ी सनी डे है आज, वेदर काफ़ी प्लीजेंट है। सो ऐसा ही रहे तो सही है, अदरवाइज बारिश हुआ तो ज़रूर दिक्कत आएगी। तो अभी जो साकरी से तालुका वाला जो रास्ता है उसमें कुछ लैंडस्लाइड की वजह से हम थोड़ा सा पैदल कवर करेंगे रास्ता। दूसरी साइड हमें गाड़ी मिलेगी, फिर हम तालुका तक जाएंगे।
ये हमारे गाइड हैं और ये दीक्षा। हाँ, मैं हूँ गाइड। तो ये हमें तीसरी लैंडस्लाइड मिली है अभी सांकरे से तालुका जाते हुए। दो लैंडस्लाइड हमने अभी कवर किए हैं, अभी तीसरी लैंडस्लाइड इसको तो शायद जल्दी ही कवर हो जाएगी। इससे पहले की जो दो लैंडस्लाइड हमें मिली उसको हमने पैदल कवर किया, दूसरी साइड से तालुका साइड से गाड़ी मंगवा के हम ऐसे जा रहे हैं। अभी भी हम देखिए कहाँ पे बैठे हैं, तो अभी हम तालुका पहुंच गए हैं और यहां से हमारा ट्रैक शुरू होता है। ये हमारी टीम है। सो बीच में तीन जगह लैंडस्लाइड की वजह से हम थोड़ा सा लेट हुए, पर वो भी एक अच्छा पार्ट था, अच्छा एंजॉय किया उसका हमने। सो वी आर टोटल 11 इन आवर टीम, जिसमें हमारे दो ट्रैक लीडर भी हैं और बाकी हम 9 ट्रैकर्स उनके साथ में ट्रैक करेंगे। तो ये है तालुका विलेज और ये यहाँ पे गोविंद राष्ट्रीय पार्क का विश्राम भवन और ये है ट्रैकिंग पॉइंट जहाँ से अब हम ट्रैक शुरू करेंगे। हर की दून के लिए 27 किलोमीटर हर की दून ट्रैक हमारा शुरू हो चुका है तालुका से एंड द टाइम इज़ 11 AM और आज डेट है 28 September 2021। रात को बारिश हुई थी इस वजह से थोड़ा सा गीला हो चुका है ट्रैक। ये हमारे आगे जा रहे हैं कछुआ भाई साहब। ये डॉक्टर निखिल न्यूरो सर्जन। ये आरुषि है, काफी एक्टिव है। फ्रॉम मुंबई। बड़ा पाव खाती हैं? बहुत सारे। तो बड़ा मज़ा आ रहा है ट्रैक पे। अभी एक घंटा हो गया हमें चलते हुए और कुछ खूबसूरत नज़ारों के साथ में इस ट्रैक का मज़ा और भी ज़्यादा हो रहा है। ये तमसा नदी देख रहे हैं आप, जो जा रही है यहाँ पे। इट्स अ ब्रेक टाइम। और इनका बड़ा रोल है हमारे स्ट्रिप में म्यूल्स का, क्योंकि जो हमारा किचन का सामान होता है वो सारा इन्हीं पे जाता है और इसके साथ ही ऑफ लोडिंग भी करते हैं जो हमारा लगेज होता है। और अब यहाँ पे थोड़ा सा स्टीप है, सो 2 घंटे का हो गया है ट्रैक। वेदर अच्छा है, धूप खिली हुई है और पेड़ों की छांव में बहुत आनंद मिलता है इस ट्रैक पे। वो थोड़ा सा ठंड का एहसास होता है। तो हम यहाँ पे अब लंच करेंगे और शुरू भी हो गए हैं। भूख इतनी सता रही थी कि यहाँ पे लंच शुरू कर दिया है। चलो अब लंच करते हैं, लंच ब्रेक। सो डेंस फॉरेस्ट के बीच में हमारा ट्रैक जारी है। ये हमारे ट्रैकिंग एक्सपर्ट कितने किलोमीटर चल चुके हैं? 6 किलोमीटर
यस, हमारे ट्रैकिंग एक्सपर्ट हैं, ये पूरा हिसाब किताब पूरा ब्यौरा रखते हैं। सो काफ़ी मज़ा आ रहा है अभी तक ट्रैक में। 3.5 आवर्स हो चुके हैं। डेंस फॉरेस्ट है बिल्कुल, और वाटरफॉल कुछ उमंगे सी भरते हैं ये रास्ते में मिलते हैं, जो पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करते हैं। बहुत अच्छा नज़ारा है। ये जो इधर गांव देख रहे हैं, ये हम पहुंच गए हैं चिदंगाल विलेज, और अब यहाँ से 2 किलोमीटर हमारा बचा है कौनी घाट। ये जो ब्रिज है यहाँ से जाता है इधर गंगार ब्रिज, और जो सीधा हम रास्ता है जो ट्रेन है ये जा रही है अर्की दून की तरफ। और आज का सफ़र शुरू हो गया है, सेकंड डे। अभी पुआनी ग्राट से निकल लिए हैं एंड एग्जैक्ट टाइम इज 9:15। आज फिर अच्छी धूप खिली हुई है जैसा कल खिली हुई थी, लेकिन उसके बाद बारिश में ट्रैक किया हमने कल 1.5 घंटे। होप सो आज ठीक रहे। ये प्लांट्स देख रहे हैं आप रेड कलर के, ये चौलाई के प्लांट्स हैं। पुआनी ग्राट से चलने के बाद जो उसके बाद विलेज आता है वो है सीमा, और इसके इस साइड में ऊपर की तरफ है ओसला। ये लॉर्ड शिवा टेम्पल, और ये हृदेश हमारे ट्रैक लीडर। सीमा में होमस्टे हैं? नहीं, तो आपको होमस्टे मिलेंगे ओसला में, सीमा में होमस्टे नहीं है। और जहां हम कल रुके थे पुआनी ग्राट, वहां पे एक होमस्टे है बस, कैफे टाइप है, पर उसमें 2 रूम है रुकने के लिए। तो आज जो ट्रैक है वो कल से हार्ड है, क्योंकि कल जो था वो फर्स्ट डे ही 10 किलोमीटर ज़रूर था बट इतना स्टीप नहीं था। पर आज का जो ट्रैक है सेकंड डे का पुआनी ग्राट से कलकतिया धार का, वो स्टीप है, इस वजह से थका देने वाला है। इस पूरे ट्रैक में वाटरफॉल, वाटर क्रॉसिंग और रिवर लगातार हमारे साथ रहती है। जो इस ट्रैक की खूबसूरती को और बढ़ाती है। जब ऐसे ट्रैकों से आप गुजरते हैं जहाँ काफ़ी स्टीप होता है, अपहिल जाना पड़ता है, वहाँ ये रियलाइज़ भी होता है कि फिटनेस बहुत ज़रूरी है। तो गुन्नू अपना खुद का लगेज लेकर आगे बढ़ती हुई नीचे रिवर और वो सीमा गांव, और हम आए हैं पुआनी घाट से। आप ये पहली बार है हर की धुन? नहीं तो हर की धुन फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम
तो कैसा लग रहा है डॉक्टर साहब? बहुत ही टफ है रोड। डॉक्टर उन्नति से जानते हैं उनकी राय, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं बाय प्रोफेशन और इस ट्रैक पे आए हैं ये हैदराबाद से। धर्मेश तो ट्रैक सीधा मुश्किल है, बहुत सुंदर है और पता लगा कि और भी मुश्किल होगा आगे, मगर वर्थ होगा, देखेंगे क्या होगा। यस, वी कीप यू अपडेटेड। स्टे ट्यून, लाइक करो, शेयर करो, बेल आइकन दबाना मत। ये आकाश, हाय। सम गाइस दे आर टेलिंग दैट इट वुड बी क्वाइट डिफिकल्ट बट द डेस्टिनेशन विल बी वर्थ इट, सो वी आर एक्सट्रीमली प्रिपेयर फॉर इट। यस, दैट्स अ स्प्रिट नीड। तो सेकंड डे में अपहिल काफी ज्यादा मिलेंगे आपको। अभी हमने हाफ से ज़्यादा कवर कर लिया है आज के दिन का, लेकिन अभी सफ़र बाकी है। सो ऊंचाई का अंदाज़ा आपको ऊपर पहुंच के ही होता है, जैसे अभी काफ़ी और ऊपर जाना है। तो अभी एक टी पॉइंट है, वहाँ पे आप ब्रेक ले रहे हैं। ये टी पॉइंट है। yes. ओ, टी पॉइंट पहुंच गए। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत ट्रैक हर की दून। रियली में कोई मुकाबला नहीं है इस ट्रैक का। मेस्मराइजिंग व्यूज, कैद कर लो इनको, और मैं कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता अपने कैमरे में इसको कैद करने का। अच्छा, इधर सारे ट्रैक जाते हैं एक्सपीडिशन वाले। ओके, ब्लैक पीक एक्सपीडिशन, बाली पास, ओके, दौनदार काउंटी, ओके, बोलदड़ लेक। ओके, तो हमारे गाइड साहब बता रहे हैं कि इधर से एक्सपीडिशन जाते हैं बाली पास, ब्लैक पीक, और इन कन्या ने तो अपने बालों का गजरा ही बना लिया है फूल को। और डे टू जो है वो अपहिल के साथ में बहुत खूबसूरत भी रहा है कंपैरिजन ऑफ डे वन। और जैसे जैसे अभी हम और ऊपर जाएंगे हर की दून की तरफ, काफ़ी खूबसूरत होने वाला है। तो अभी जिस जगह पे हम हैं वो कलकत्ती दार है। वैसे हमारा जो आज का प्लान था वो कलकत्ती दार तक का ही था, लेकिन हम मॉर्निंग में भी टाइम से निकले और यहाँ पे भी 4.25 घंटे में हम पहुँच गए। अभी 1:45 हो गए हैं, लंच भी हमने कर लिया है यहाँ पे। सो हमारे जो गाइड हैं उन्होंने बताया कि हम आगे रुकेंगे यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर और आगे सीमात्रा। इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि कल जब हर की दून समिट करेंगे तो हमें थोड़ा कम चलना पड़ेगा, तो हम ईज़िली वहाँ पहुँच पाएंगे। तो इस रास्ते से अभी और आगे हम जाएंगे, सीमात्रा रुकेंगे आज हम। तो हमने थोड़ा प्लान चेंज किया है। अभी हम कलकत्ती दार से और ऊपर जाते हुए काफ़ी स्टीप लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है, क्योंकि तो जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक ये खूबसूरत नज़ारे दिखते हैं। ये जो पेड़ है ना, इसको बोलते हैं भोजपत्र या देवपत्र। ये वाइट वाला, हाँ, इसका बार्क जो है ना निकलता है। पुराने टाइम में इसमें लिखते थे, पेपर की तरह यूज करते थे। अच्छा, भोजपत्र या देवपत्र। भोजपत्र या देवपत्र, जब पुराने ज़माने में कागज़ नहीं होते थे तो इन्हीं पे लिखा जाता था। ये है हमारी कैंपिंग साइट आज की।
डॉक्टर व्लॉगर। ये जगह है सुमात्रा, हाँ तो गाइस थके तो नहीं, थके तो नहीं हो? नहीं नहीं गुड, चले समय चले हर के नहीं निकल लेते अभी। ओके तो अभी हम सुमात्रा पहुंच गए हैं, आज हमारी कैंपिंग साइट सुमात्रा ही रहेगी। ये हमारा ट्रिप का डे टू था, हमने ट्रैक शुरू किया था पुवानी ग्राट से और ऑलमोस्ट हमने 5 घंटे में यहाँ पे कवर किया है सुमात्रा में। हमारा पहले प्लान था कि हम रुकेंगे कल कलकतीदार, लेकिन जैसे हमारे पास टाइम था तो हमने यहाँ पे सुमात्रा पे पहुँच गए हैं। अभी हमारी कैंपिंग साइट लग गई है, कल का हमारा जो प्लान होगा वो हर की दून समिट रहेगा। ओके स्टे ट्यून। सुबह की धूप निकल गई, अब 8 बज गए हैं। आज का ट्रैक 6 किलोमीटर का रहेगा सुमात्रा से हर की धून। काफ़ी सही है ट्रैक आज का, इजी सा लग रहा है जैसा हमने फर्स्ट डे फेस किया था। सेकंड डे पे काफ़ी स्टीप था पर आज अभी तक ठीक ठाक लग रहा है। और आपके चारों तरफ जब इतनी खूबसूरती हो तो कहना ही क्या, थकान तो जैसे छू मंतर हो जाए। वाकई में ट्रैकिंग आपको नेचर से बिल्कुल कनेक्ट करने का एक जरिया है। सभी को एक ना एक बार ट्रैक जरूर करना चाहिए क्योंकि ये एक अलग एहसास है। ये देखिए कैंप साइट, ये बोस्लो इस जगह का नाम है जहाँ ये कैंप लगे हुए हैं। तो सुमात्रा से जब हम ऊपर हर की दून जा रहे हैं तो ये जगह आती है, तो यहाँ पे भी कैंपिंग लगाई जा सकती है। बहुत ही शानदार जगह है, काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे कैंपिंग में रहना ट्रैकिंग में। हर की दून ट्रैक को ट्रैक टू हेवन भी बोलते हैं, स्वर्ग का रास्ता। माइथोलॉजी ये है कि पांडव यहाँ पे हर की दून के आगे स्वर्ग रोहिणी है, तो जो ज्येष्ठ भ्राता थे युधिष्ठर वो स्वर्ग रोहिणी गए थे, यानी स्वर्ग का रास्ता यहीं से है। इसी वजह से इस ट्रैक को स्वर्ग का रास्ता या फिर वे टू हेवन कहा जाता है। और खूबसूरती के मामले में भी किसी स्वर्ग से ये कम नहीं है।
सो काफ़ी अच्छा लग रहा है ट्रैक पे। अभी शायद 45 मिनट्स के राउंड और बचा होगा क्योंकि लगभग 4 किलोमीटर कवर कर लिए हैं। और मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ हरकीदून टॉप पे, 11,700 फीट हाइट पे, और ये कुछ नज़ारा है यहाँ पहुँचने के बाद। That's beautiful। ये सीरत है अविंता हिमालय के ऑर्गेनाइजर डीजल। Hi। कैसा लगा आपको पहुँच के? It was a thrilling experience. I loved it. Okay, Akash. I am feeling lighted. I am make it to a heaven. Oh, nice. Hirdey is our track leader. Diksha. Fantastic. Arushi. कैसा लगा पहुँच के? मुंबई लैंग्वेज में कुछ कहेंगे आप? स्पॉट एकदम ले लिया मुझे। खूब चांगा। ओके डॉक्टर उन्नति कैसा लगा पहुंच के? बहुत अच्छा। तेलुगु में बोलो। तेलुगु में? हाँ कुछ हमें तेलुगु में बताइए। डॉक्टर निखिल हैदराबादी लैंग्वेज में बोलूंगा। ओके मस्त मस्त। वाकई में बहुत ही खूबसूरत नजारा है। सो गाइस ये हरकीदून ट्रैक का टॉप है, 11,700 फीट हाइट, और डे थर्ड में पहुंच के हमने इसको कवर किया है। थोड़ा इसको समराइज़ कर दें तो हमारा जो ट्रैक शुरू हुआ वो तालुका से हुआ। तालुका सांकरी से आपको लगभग 13 किलोमीटर ड्राइव करके आना पड़ता है, उसके बाद आप तालुका पहुंचेंगे। तालुका से ट्रैक शुरू होता है हमारा। तालुका से जब ट्रैक शुरू होता है तो हमारा जो फर्स्ट डे था वो लगभग 10 किलोमीटर का रहा, जहाँ पे हमने कैंपिंग की। जो हमारा फर्स्ट कैंपिंग पॉइंट था वो था पुआनी ग्राट। नेक्स्ट डे हमने फिर ट्रैक शुरू किया पुआनी ग्राट से, डे टू हमारा। और जो डे टू था उसमें हमने सीमात्रा में कैंप लगाए। तो पहले दिन हमने 10 किलोमीटर का ट्रैक किया, दूसरे दिन हमने ऑलमोस्ट 11 किलोमीटर का ट्रैक किया, और डे थर्ड आज जब सीमात्रा से 6 किलोमीटर का ट्रैक करके हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ वो हरकीदून टॉप है। बहुत ही अच्छा लग रहा है गाइस, ऑसम फीलिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यस, और जरूर कमेंट बॉक्स में डालना अगर आपको कोई और ट्रैक देखना हो और किसी ट्रैक की वीडियो के बारे में जानना हो तो मैं जरूर वीडियो पोस्ट करूंगा। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय। जब सबसे पहले जो इसकी खोज की वो फॉर्नल ने की, क्योंकि जब फॉर्नल चलता था तो उससे बाद काफ़ी सारे ग्रुप चले, फिर बंगाली लोग चला, बंगाली लोगों ने काफ़ी हिट किया, उतना हिट फॉर्नल ने किया जितना बंगाली लोगों ने किया। तो हरकीदून का जो नाम है हरकीदून ही है, बट जब दून का मतलब जब शिव जी ने यहाँ डमरू बजाया था अपना, तो उसके धुन अच्छी सुनाई दी। फिर पहले पुराने ज़माने पे यहाँ पे नीचे मैदान है हमारा, यहाँ पहले भेड़ बकरी होती ना शिव गोट, फिर उनके साथ एक बाजगी वाला था, फिर जब बाल मठा रहे थे भेड़ बकरी की, फिर उसने यहाँ अच्छा सा म्यूजिक बजाया था अपना डमरू का, तो वो यहीं से उठा लिया था, वो पता नहीं कहाँ ले गया, वो पता नहीं लगा, मतलब ऊपर ले गया वो, जहाँ पे लिया कोई पता नहीं लगा अभी तक भी। जब कोई एकांत पे, चाहे उधर रहो चाहे इधर एकांत से रहेंगे, तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे डमरू की आवाज़ आती है, इसलिए यहाँ का नाम हरकीदून रखा गया। वैसे तो इसमें काफ़ी सारे बोल रहे थे, जब भगवान शिव ने यहाँ तपस्या की थी, फिर बोल रहे थे कि तपस्या करके भी उन्होंने इधर से वो फिर गया था युधिष्ठिर गया था, जो आपने ये सामने पे स्वर्गारोहिणी दिख रही,
तो यहाँ से यूस्टर और उनके साथ एक उनका दूध गया था, कौन? ठीक है। फिर ये जमुनदार ग्लेशियर है, आप यहाँ से पीछे एक धाम आता है यमुनोत्री के बाद गंगोत्री, वहाँ भी जा सकते हैं। और स्वर्गारोहिणी तो अभी तक काफ़ी सारे लोग गए, ग्रुप गए, अभी सक्सेस नहीं हो पाया। तो इसके पीछे स्वर्गारोहिणी के चार पीक्स है, चार पीक्स है, बट अभी यहाँ से एक ही पीक्स दिख रही है जो मतलब सबसे हाईस्ट वाली है, ये वाली सामने वाली। More than 6,000 meters. पता नहीं अभी कितना है, पर तक कभी पता नहीं। 6,000 से ऊपर है चारों पीक्स इसकी। फिर यहाँ से ऐसा भी है, यहाँ से अपना बड़ा सा फास्ट ट्रैक है जो आपके इंडियन आर्मी को मिल के जाएगा, चाइना का बॉर्डर इसी के पीछे है। अच्छा, इतने नजदीक है हम चाइना बॉर्डर के। यस, यहाँ दो कैंप लगे आर्मी के, ITBP के। ओके। और आप यहाँ से शांगला चिटकुल शिमला तक पहुँच सकते हैं। फिर यहाँ एक दूसरा पिक है, मतलब वो सांकरी से जकोल गांव आता है, एक सबसे बड़ा विलेज है, वहाँ से आप देव क्यारा जा सकते हैं। उधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, मणिंडा लेक होके, बट वो भी कॉफी काफ़ी डिफिकल्ट है, पिछले बार विकेट एडवेंचर ने किया था। ठीक है, तो एक गाइड साहब थे हमारे जिन्होंने समझाया कि कैसे हर की दून नाम पड़ा है इस ट्रैक का, और कैसे यहाँ पे स्वर्ग रोहिणी पीक जो है उसके चार पीक में से ये जो एक पीक है वो आपको दिखाई दे रही है। ये यहाँ पे लॉर्ड शिवा टेम्पल, ये औसला विलेज है उत्तराखंड में, जब आप हर की दून ट्रैक पे जाते हैं तो ये आता है ओसला विलेज, जहाँ पे आज हमने स्टे किया है वापसी के दौरान। तो काफ़ी हार्ड वर्किंग है यहाँ के लोग, उन्हें अपने बेसिक लाइफ के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं टेंपल, ये यहाँ इन देवताओं को काफ़ी माना जाता है। कौन से सोमेश्वर देवता का ये मंदिर है, इस गांव में इनकी काफ़ी पूजा होती है, काफ़ी मान्यता है इनकी, और काफ़ी कल्चरल प्रोग्राम भी होता है इनके यहाँ पे, ये पूरा मंदिर। ओसला विलेज जहाँ पे मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ, यहाँ रुकने के लिए होमस्टे बने हुए हैं, नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन आपको अच्छे रूम मिल जाएंगे और गर्म पानी भी मिल जाएगा, और क्या चाहिए पहाड़ों में। तो ये बेसिकली अगर आप तालुका से जब हर की दून ट्रैक पे जाएंगे तब भी यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, अगर आपको टेंट से थोड़ा सा एक दिन रुकना हो होटल में, होटल उस वे के नहीं है बट अच्छे होमस्टे हैं जहाँ आप नहा सकते हैं और अच्छे बेडरूम हैं, या वापसी रिटर्न में भी रुक सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है इस विलेज में आज हम रुके हैं, क्योंकि हमारे जो साथ के सारे टीम मेंबर्स थे उनका ये कहना था कि यार आज रुकते हैं एक अच्छी जगह ताकि थोड़ा सा नहा लिया जाए, क्योंकि जैसा कि ट्रैकिंग में 5 दिन लग जाते हैं, तो हमें यार 4th day है, तो आज हमने प्लान किया यहाँ रुकने का। और अभी वो जो आप नीचे देख रहे हैं वो हमारा होम स्टे है जहाँ आज हम रुके हुए हैं, लेकिन अभी हम थोड़ा सा ऊपर गांव को विज़िट करने के लिए आ गए थे, और ये हमारा हमारे टीम मेंबर हैं, और ये होम स्टे जहाँ आज हम रुके हुए हैं, ये देखिए उनको दिखाइए ज़रा। हेलो फ्रेंड्स, हाय, और ये हमारा होम स्टे, और ये पीछे देखिए कितना खूबसूरत व्यू है, मज़ा आ रहा है यहाँ पे। देखिए पीछे कितना खूबसूरत नज़ारा है, आदमी का मन खुश हो जाए। तो आज हम यहीं रुके हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।